तो नमस्कार दोस्तों, ये LDC का पेपर चल रहा था। LDC से संबंधित पिछले साल जो पेपर आया हुआ था वो एक पेपर था। इससे पहले अपने पिछले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन कर लिए थे, देख लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें 25 से आगे वाले क्वेश्चन है ये। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज वाला ये 26 से क्वेश्चन। तो राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सफार उत्पादन उत्पादक जिला है, तो ये अजमेर जिला है। यानी फेल्सफार अजमेर में सबसे अधिक उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो अब खारे पानी की झील नहीं है, बड़ी कुछ है। तो ये कोलाई झील है, वो मीठे पानी की झील है, बाकी ये तीनों तीनों खारे पानी की झील है। इसके बाद में देखिए, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला ज़िला कौन सा है? तो इन सभी में से बीकानेर जिला है, वो न्यूनतम घनत्व वाला ज़िला है। इसके बाद में देखिए आगे, पुग्गल जिस पशु की नस्ल है वह है? तो पुग्गल भेड़ की नस्ल है ये। उसके बाद में आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है? तो लोहागढ़ दुर्ग है वो भरतपुर जिले में स्थित है। तो ये 30 तक क्वेश्चन। अब आगे 31, तो 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो 60% है ये, यानी कृषि में योगदान है वो 60% है। उसके बाद में राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? तो इसका ये एक नंबर वाला उत्तर सही होगा, कृषि विपणन बोर्ड। इसके बाद में देखिए 33वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो इसका दो नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा, भामाशाह योजना। इसके बाद में 34वां क्वेश्चन देखिए, 2015-16 में राजस्थान में 2011-12 की स्तर वैश्विक कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान क्या है? तो इसका योगदान है वो 24% है। उसके बाद में आगे देखिए 35वां क्वेश्चन, तो 35वां क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है गागरिन, ये गागरोन है जी, ये झालावाड़ में है। ये तीन वाला उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद में कराड़ा, ये बूंदी में है। इसके बाद में मोरा सागर है, ये सवाईमाधोपुर में है। और टोकरा है, ये झालावाड़ में है। ये इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। तो ये 36वां क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, जो कि पिछली बार LDC भर्ती परीक्षा में आया था, 2016 में हुई थी ये। उसके बाद में 37वां देख लीजिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य नहीं है? यानी तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये अलगोजा है, ये नहीं है तत्ववाद्य यंत्र, बाकी तीनों तत्ववाद्य यंत्र है। उसके बाद में देखिए 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? नहीं वाला होगा वो सतनामी संप्रदाय है, ये एक नंबर वाला, बाकी ये तीनों तीनों है। आगे देखिए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, तो इसका चौथा उत्तर हो जाएगा भरतपुर व अलवर में। मेवात भरतपुर और अलवर वह है ये। आगे 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खातौली के युद्ध में हराया था अभी। इसके बाद में 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो इसका तीन नंबर वाला उत्तर गौरी वाला ये सही हो जाएगा। उसके बाद में 42वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार
होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है, तो एक पखवाड़ा बाद ये एक नंबर वाला गणगौर मनाया जाता है। होली के बाद में गणगौर आती है जी। तो इसके बाद में देखिए 43वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न लिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो मेवात क्षेत्र अलवर है, तो ये अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद में देखिए 44वां क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में घोषणा की गई थी। ये एक नंबर वाला, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी होगी इनकी जिम्मेदार? रिक्को वाड़ी। तो ये चार नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दो नंबर वाला उत्तर इसका टोंक, ये सही है। उसके बाद में देखिए 47वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था? तो गोगुंदा में राज्य अभिषेक महाराणा प्रताप का हुआ था। दो नंबर वाला ये उत्तर इसका भी सही है। इसके बाद में 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो ये बाकी तीनों तीनों है। एक नंबर वाला अनूप सिंह, ये नहीं था अभी जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। एक नंबर वाला बाकी तीनों जोधपुर राज्य के शासक थे, तो ये भी जसवंत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, अजय सिंह। इसके बाद में देखिए 49वां क्वेश्चन, अजरक का प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट ये बाड़मेर में प्रसिद्ध है। चार नंबर वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉरी ये बीकानेर नागौर बेसिक बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तो दो नंबर वाला पूनम नाम दिया गया है। तो ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन, जो कि 26 से लेकर के 50 तक इस वीडियो में है, और 1 से लेकर 25 तक पहले वाले वीडियो में दिए गए हैं। अगर उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहाँ से भी आप उनको देख लेना। तो ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों, इसके बारे में राय ज़रूर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। धन्यवाद दोस्तों।